रिजल्ट पूरा नहीं होना था, ये लोग कर दिया। मैं आप लोग को गरीब आदमी को जीता है। चलो 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 खाने में दिया। আর
সিসিটিভির ক্যামেরা দিয়ে আমাকে মারছে আর ওকে মারছে একসঙ্গে। তার দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে বলছে রেল লাইনে ছুড়ে দেবো, তখনও আমি বলছি ও তো মনেই যাচ্ছে আমার কাছে তোদের কথা শুনছি আর বাটি করবে না আমার ছেলে এটা নিয়ে দুবার হয়ে গেল দু তিনবার করতেও চাই না তিন মামা একসঙ্গে থাকি, কেউ কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাই না যাতে চার ঘাট হবে। শাম তো 7 বাজে লেডি অফিসার আয়া তা ভাগ্য থানা মে আটকা দিয়ে রাখা থা আমার ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে, আমার কাছে আমার ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দিন, আমার ছোট ছেলে জানাবি আমার ছোট ছেলে চিন্তা নেই মাতা চিন্তা নেই সব ঠিক আছে। अभी मुझे अभिजीत सरकार के घर आने का मौका मिला, जिन लोगों को इनकी जिन लोगों को उनकी माताजी की चीख पुकार
सुनाई नहीं देती है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप लोग जरा चुप होंगे तभी बोलेंगे। जो मैंने अभी दृश्य देखा, जिस तरीके से अभिजीत सरकार की माताजी दुख हुई होकर के अपने बेटे के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी, जिन लोगों को ये चीख पुकार सत्ता में बैठ कर के सुनाई नहीं देती है, वही ये हिमाकत कर सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को स्टंट, नौटंकी, एक्टिंग, इस तरह की शब्दावली देकर वह ऐसे गंभीर विषयों को खारिज करने का प्रयास करते हैं। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, आपके कैमरे ने भी अभी अभिजीत सरकार की मां की चीख पुकार देखी है, उसको कैप्चर किया है। फिर मैं यही कहूंगा कि बंगाल की सत्ता पर बैठकर रक्त रंजित राजनीति करके इस तरीके से बंगाल को बदनाम करना, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। मैं हर जगह जाऊंगा, हमारे कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से इन विषयों को रखेंगे। और ममता जी का जो एक तरीके से राजनीतिक ढोंग, और जिस तरीके से वो कहती हैं कि वो शांति लाना चाहती हैं, ये शांति के तरीके हैं, उसको हम पर्दाफाश भी करेंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे और बंगाल की जनता को जागृत करेंगे कि इनके हाथों में किस तरीके से अगला 5 साल चलने वाला है, उसको भी हम बताएंगे। और अपने कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के यहां के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, न्याय दिलाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से, और यहां पर फिर से सोनार बंगाल को स्थापित करने में हमारा कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बंगाल की संस्कृति, जिसके हम उसको संभाल करके चलने वाले लोग हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल की संस्कृति को रखेंगे। मैंने पहले भी कहा था, ममता जी डज नॉट रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर, ममता जी असहिष्णुता की प्रतिरूप है, इनटॉलरेंस, दाय नेम इज ममता जी। और ये घटना आज की नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को हम बंगाल की जनता के सामने रखेंगे और न्यायपूर्ण तरीके से न्याय दिलाएंगे एक एक कार्यकर्ता को। ঘটনাটা হয়েছিল ভোটের রেজাল্টের দিন। আমি